माइक ऑफ है सर। आवाज यस सर। चलिए एफएक्स इक्वल टू साइन क्यूब 4x-7 देन फाइंड एफडेस एक्स। तो हमारा एफडेस एक्स निकालेंगे तो एफएक्स इक्वल टू साइन क्यूब 4x-7। तो हमने क्या बोला था पहले, किसका डेरिवेटिव होता है पावर का, तो पावर 3 का डेरिवेटिव होगा तो पावर 3 आगे आ जाएगी एफडेस एक्स 3 sin² ये पावर 3 का डेरिवेटिव हो गया, पावर 3 आगे आ गई और एक पावर कम हो गई ऊपर, ये किसका पावर हुआ, पावर 3 का डेरिवेटिव। पावर 3 का डेरिवेटिव होने के बाद किसका करना है मुझे, साइन का d/dx ऑफ साइन 4x-7, d/dx ऑफ साइन 4x-7। साइन क्यूब है तो पावर 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गया, 3 sin² 4x-7 और d/dx ऑफ साइन 4x-7, 3 sin² 4x-7 साइन का डेरिवेटिव क्या बताया था, कोस, तो कोस 4x-7 d/dx ऑफ अब एंगल का 4x-7 d/dx ऑफ 4x-7, 4x-7 का डेरिवेटिव 4, तो 3 sin² 4x-7 cos 4x-7 और 4x-7 का डेरिवेटिव 4, तो फाइनल आंसर आ गया f(x) इक्वल टू 12 sin² 4x-7 और cos 4x-7, दिस इज द डेरिवेटिव 12 sin² 4x-7 cos 4x-7, ये इसका आंसर आ गया। चलिए बाकी सबका जैसे ऑफ रख रहे हैं तो आपका भी 3 दिन का ऑफ रख रहे हैं, 31st, 1st और 2nd को संडे है, इसलिए संडे का भी ऑफ है, 31st, 1st, 2nd बस। नेक्स्ट एफएक्स इक्वल टू (5sin x - 6cos x + 7) इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, बड़ा इजी है, f(x) इक्वल टू 5 sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव -sin x और 7 का डेरिवेटिव 0। (5cos x + 6sin x) ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये इसका डेरिवेटिव होगा।
नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 3 cot x प्लस 5 cosec x, इसका एफ डैश एक्स निकालना है। cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का डेरिवेटिव था माइनस cot x cosec x, माइनस cot x cosec x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो माइनस थ्री कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस फाइव कोट एक्स कोसेक एक्स, सिंपल बस फॉर्मूले यूज करने हैं और कुछ भी नहीं करना, जो आपके फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। और देखो एफ एक्स इक्वल टू ए अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, ए अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, इसको डेरिवेटिव करना है। एक्स की पावर फोर ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस फोर, एक्स की पावर टू ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस टू प्लस कोस एक्स, इसको डेरिवेटिव करना है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं, निपुण x की पावर माइनस फोर का क्या डेरिवेटिव बताया था अपन ने? माइनस फोर x की पावर माइनस फाइव, पावर आ गया और ऊपर एक पावर कम, माइनस फोर x की पावर माइनस फाइव। x की पावर माइनस टू का मैंने क्या बताया था? माइनस अर्पित, हाँ अच्छा, और cos x का क्या बताया था शिवांग? यस सर, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का हमने डेरिवेटिव क्या बताया था? माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस फोर ए एक्स की पावर माइनस फाइव, नीचे आके एक्स की पावर फाइव प्लस टू बी एक्स की पावर माइनस थ्री, आके नीचे आके एक्स की पावर थ्री माइनस साइन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर एन, इसका डेरिवेटिव करना है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर एन, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। एफ डेस एक्स पावर आ गई और ऊपर एक पावर कम, पहला काम ये तो किसका डेरिवेटिव हुआ? पावर का। अब किसका बचा? अरे एक्स पावर का हुआ है तो अब किसका बचा? अरे साइन एक्स का बचा। देखो पावर को छुपा लो ना, किसका बचा? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पावर आ गया ऊपर एक पावर कम और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव
कॉस एक्स, ये आ गया साइन एक्स की पावर एन माइनस वन कॉस एक्स, तो एन साइन एक्स की पावर एन माइनस वन कॉस एक्स, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस फोर, थ्री माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव, आप क्या करिए पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह हो गया आपका थ्री एक्स की पावर माइनस फोर, माइनस फोर और माइनस फाइव पावर एड होके x की पावर माइनस नाइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया, मैंने डिविजन नहीं किया अभी, अभी तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिविजन कहाँ करूँ, अभी तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिविजन तो अब करेंगे, अब डिविजन करो f डैश x, मीत बोलो x की पावर माइनस फोर का डेरिवेटिव x की पावर माइनस फाइव, बिल्कुल सही, एक्स की पावर माइनस नाइन का माइनस नाइन एक्स की पावर माइनस फाइव, तो यह आ गया माइनस ट्वेल्व एक्स की पावर माइनस फाइव प्लस थर्टी सिक्स एक्स की पावर माइनस टेन, तो फाइनल आंसर माइनस ट्वेल्व अपॉन और एक्स की पावर टेन, ये इसका डेरिवेटिव होगा। लिख लीजिए लिख लिया, समझ में आ गया, ये लास्ट वाला ऑनलाइन ऑफलाइन, नेक्स्ट को करते हैं इसी टाइप का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, थ्री माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस नाइन, इसको डेरिवेटिव करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स, थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस नाइन, पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ गया थ्री एक्स क्यूब और सिक्स एक्स की पावर माइनस सिक्स, माइनस नाइन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स, थ्री एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस सिक्स, अब डिफरेंस करो एफ एक्स एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा एक्स क्यूब का
एक्स क्यूब का 3x² पावर आगे और एक पर पावर कम, एक्स की पावर माइनस सिक्स का माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस सेवन, ये आ गया 9x² प्लस 36 एक्स की पावर माइनस सेवन, ये इसका फाइनल आंसर। सर इसमें 36 बाय एक्स की पावर 7 नहीं होगा क्या? एक ही बात है, अगले स्टेप में लिख दो, नहीं तो वहां पर भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, 36 अपॉन एक्स की पावर 7। चलिए मुझे लगता है कि अब दो तीन जनों के, दो जनों के अलावा सब आ गए हैं, तो फिर वहां पर रिपीट कर रहा हूँ, आपके 3 दिन का ऑफ रहेगा, 31st, 1st, 2nd को संडे, इसलिए उसका भी ऑफ, 3 दिन का ऑफ। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अब ये तो आपका डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले हो गए, अब यहां पर हमारे पास रूल है, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक तो है आपका प्रोडक्ट रूल और एक है क्वेश्चन रूल, तो ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट है, पहले इन दोनों रूल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट का मतलब मालूम पड़ रहा है कि जब दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में, जिसमें आपसे बोल रहा हूं fx = u (v), सपोज दो फंक्शन, दो से ज्यादा भी हो सकते, मैं अभी दो की बात कर रहा हूं, u (v), तो इसमें क्या होता है कि एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन होगा, चाहे 10 फंक्शन हो, जैसे u और v दो फंक्शन, आप किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं पहले ये बता दो, दोनों में से जो आपकी इच्छा v का करना चाहते हो तो u as it is रहेगा, u as it is रहेगा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस v as it is रहेगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा, dv by dx प्लस v du by dx, u dv by dx प्लस v du by dx, जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं fx = x² + 7 और 5x³ - 9, अब ये दो फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो हमने क्या बोला एक बार में एक का ही होगा, तो f(x) पहले किसका करना चाहोगे आप, सेकेंड वाले का कर रहे हो, तो x² + 7 एज इट इज, इसी का भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5x³ - 9 प्लस, अब 5x³ - 9 एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 7, ये इसका डेरिवेटिव होगा, करो भाई 5x³ का डेरिवेटिव 15, अरे बेटा 15x² माइनस 9 का 0 है इसलिए मत लिखो, प्लस 5x³ - 9, बोलो x² का 2x, 7 का 0, मल्टीप्लाई कर लो 15x⁴ प्लस 105x² प्लस 10x⁴ - 18x,
फाइनल आंसर आ गया 15 एक्स की पावर 4 प्लस 115 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स। ये हमारा इसका पूरा डिफिनेशन आ गया, 15 एक्स की पावर 4 प्लस 115 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स माइनस 18 एक्स। ये हमारा इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया एड्रेस। तो ऐसे प्रोडक्ट रूल को आपको यूज करना है। आया ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करना है। प्लस अब ये एज इट इज क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 5 इंटू 3 15 और एक पावर कम 15 एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 0 तो 15 एक्स स्क्वायर। ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, बस मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखो। पर जरूर नहीं है मैंने क्या बोला दो ही फंक्शन है आपके, तीन फंक्शन, चार, पांच, दस, पंद्रह, बीस, कुछ भी आ सकता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, फॉर एग्जाम्पल, तीन मल्टीप्लाई में आ, और मुझे इसको डेरिवेटिव करना है। मैंने क्या बोला किसी एक का करना, किसका करना चाहोगे पहले? चलो एक्स प्लस थ्री का कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, डी एक्स बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, प्लस अब मैं सेकंड वाले का कर रहा हूं तो दो एज इट इज, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू। फिर मैं तीसरे वाले का कर रहा हूं, फर्स्ट वाले का कर रहा हूं तो एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन। इस तरह से डेरिवेटिव होगा, दो का कर रहे हैं किसी एक को, एक का कर रहे हैं किसी दो को, एज इट इज रखें। एफ डैश एक्स, एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव बोलो वन, प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव भी वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन का भी डेरिवेटिव वन, मल्टीप्लाई कर लीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स। तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स, फाइव एक्स, एट एक्स, प्लस फोर एक्स, ट्वेल्व एक्स और इलेवन। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11, ये इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट, तो ये है भाई प्रोडक्ट रूल, आप इस पे किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती वो देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमें करना है, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर एफ डेस एक्स, ए एक्स प्लस बी डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। बोलिए, आप बताओ ना क्या बात है, नहीं आ रहे हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाँ बढ़िया, हाँ हेलो, हाँ जी हेलो, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो, पहले किसका होता है, सी एक्स प्लस डी डी बाय डी एक्स प्लस डी, तो पावर का टू सी एक्स प्लस डी और डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा फिर उसके बाद होगा। प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बोलो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का वन और बी का जीरो, बोलो सी एक्स प्लस डी का सी प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू ए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा है, यहां बचा ए एक्स प्लस बी इंटू टू सी और इधर बचा सी एक्स प्लस डी इंटू ए, एक कॉमन आया तो एक पावर बची, आ गया टू ए सी एक्स प्लस टू बी सी प्लस ए सी एक्स प्लस ए डी, तो फाइनल आंसर सी एक्स प्लस डी थ्री ए सी एक्स प्लस टू बी सी प्लस ए डी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस sec x f डेस एफ एक्स लिख लो इसको, x प्लस sec x x माइनस tan x, x प्लस sec x x माइनस tan x, अब अगेन प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में एफ डेस एक्स,
x plus sec x as it is, d by dx of x minus tan x plus x minus tan x d by dx of x plus sec x. हेलो हाँ बोलिए बोलिए हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं ठीक 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 है ठीक एक्स प्लस सेक एक्स बोलो एक्स का डेरिवेटिव वन और टेन एक्स का sec square x, x का डेरिवेटिव 1 और tan x का sec square x प्लस x माइनस tan x, x का डेरिवेटिव 1 और sec x का sec x tan x, sec x का sec x tan x. वन प्लस sec x tan x आया समझ में भाई. x प्लस sec x as it is, x का 1 tan x का sec स्क्वायर x. अब x माइनस tan x as it is, x का 1 sec x tan x. मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले x से इन दोनों को कर लो. x माइनस x sec स्क्वायर x फिर sec x माइनस sec क्यूब x. ऐसे होना जाना कुछ नहीं है, सब अलग अलग आएंगे. फिर x से कर लो x प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स फिर माइनस टेन एक्स और माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स. मैंने क्या बोला, कुछ भी सोल्व नहीं होगा, सब अलग अलग टर्म है. तो बस आपको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखना है. बस एक्स और एक्स से एड हो जाए और 2x हो जाएगा बस. तो 2x माइनस x sec स्क्वायर x प्लस sec x माइनस sec क्यूब x प्लस x sec x tan x माइनस tan x माइनस sec x tan स्क्वायर x. ये हमारा फाइनल आंसर है. अगर सर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आया तो फिर नहीं पड़ेगा. नहीं हाँ वहां पर छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी करना तो पड़ेगा. सेम डिफरेंशियल, डिफरेंशियल तो पूरा ही करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस एक्स. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोस एक्स. अगेन दो फंक्शन है, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स प्लस कोस एक्स d by dx of cos square x square plus 1. cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x. तो x square plus 1 माइनस sin x और cos x x square का x square का x square plus 1 का 2x. तो ये हो गया माइनस x square sin x माइनस साइन एक्स और प्लस 2x cos x प्लस 2x cos x. ये इसका डेरिवेटिव हो गया.
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एन इसका हमें अब ये भी दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है एफ डेस एक्स इक्वल टू एक काम करो तुम वापस से कनेक्ट कर लो बेटा ऑनलाइन वालों